हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज एक बहुत ही केस स्टडी होने वाला है। अच्छा, पहले देख लो, इसका मॉडल नंबर है MS 7579 डिवीजन 2.0, और इसका ये पार्ट नंबर था, और मॉडल नंबर है NF725GMP31। तो AMD का मदरबोर्ड है ये, AMD सपोर्टेड। तो देखो, ये मदरबोर्ड में फिलहाल तो पीछे कोई टैग नहीं है, नो डिस्प्ले का इशू था। तो आप भी देख लो, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसीलिए मैं वीडियो को बना रहा हूँ। ये बहुत ही, इस टाइप का प्रॉब्लम मदरबोर्ड में बहुत ही कम आता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो और वीडियो को स्किप मत करो, क्योंकि अगर एक बार आपने देख लिया तो ज़िंदगी भर याद रहेगा। अगर इस टाइप का बोर्ड आए तो आप इजीली सॉल्व आउट कर पाओगे, और अगर वीडियो स्किप कर दिया तो कितना समझोगे वो मुझे पता नहीं। एक सेकेंड, देखो ये मैंने डिबग कार्ड डाल दिया, अभी इसको स्विचिंग करूँगा, फॉलो करो। चलो, स्विचिंग कर दिया। अब देखो, क्लॉक रेडी है, फ्रेम नहीं है, रेडी नहीं है, रिसेट नॉर्मल है, जितना है CPU इसका जितना हीट होना था हीट हो रहा है, सिंपली जितना हीट होता है। इसका कोर VTT बन रहा है, मैंने देखा चेक करके, तो कोर VTT का इशू नहीं है इस बोर्ड में। और तो सिंपली हम जो करते हैं, एक्चुअली ऐसा प्रॉब्लम आता है तो FF कोड में पहले जाके BIOS को करते हैं हम, तो करना चाहिए, हम नहीं, सबको करना चाहिए। जो बेसिक आसान में जो काम होता है पहले वो अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने भी पहले BIOS किया, फिर भी सॉल्व आउट नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका जो BIOS का IC है, यहाँ पर रिसोल्ट किया हुआ है। तो मैंने भी इसका BIOS डाला था एक, तो प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं हुआ। फिर जाके मैंने इसका जो PCH है और एक बार ऑन कर रहा हूँ, देखो, तो BIOS से नहीं हुआ तो मतलब कोड VDT बन रहा है, तो जाहिर सी बात है PCH का प्रॉब्लम है, ये सभी जानते हैं। तो सभी जानते हैं, उसके हिसाब से मैंने भी थोड़ा सा ड्राई हीट किया था इसके ऊपर, इसका जो PCH है। तो अभी FF कोड पे है, तो मैंने भी ड्राई हीट किया था यहाँ पर, फिर भी काम नहीं बना। तो उसके बाद जाके रख दिया, तो 2 दिन पहले ये बोर्ड आया था मेरे पास, थोड़ा सा 2 दिन बाद इसका सिमेटिक मुझे नहीं मिल रहा था। तो फिर जाके एक ऐसा प्रॉब्लम है, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, और ऐसा प्रॉब्लम अगर आ जाए आपके पास भी, और इसका CPU भी अच्छा है, क्योंकि ये मेरा टेस्टेड CPU है, यहाँ पर जितना भी CPU है सारा टेस्टेड है, सब ओके है, ठीक है, CPU का इशू नहीं है। तो आप एक बार CPU भी चेंज करके देख सकते हो अगर इस टाइप का प्रॉब्लम हुआ तो। तो मैंने जो देखा, अब मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को इसका प्रॉब्लम कहाँ पर था, आप लोग देख लो काम आएगा। तो उसके लिए मुझे मल्टीमीटर को यहाँ पर सेट करना है, DC20 पे लेना है आपको मल्टीमीटर को, दिख रहा है यहाँ पर इजीली। एक सेकंड, मैं वीडियो में देख लो, दिख रहा है क्या? हाँ, अब दिख रहा है। अभी देखो, लाइट जला देता हूँ, थोड़ा सा और भी दिखेगा। तो बोर्ड को ऑन कर देते पहले, ठीक है। तो बोर्ड को चलो मैंने ऑन कर दिया, FF कोड ही है अभी भी। तो एक को ग्राउंड कर रहा हूँ यहाँ पर, और अभी देखो, एक सेकेंड, इसके पहले मैं इसका जो CMOS का सेल है इसे रिमूव कर देता हूँ। चलो, रिमूव कर दिया। तो अभी देखो, इसका जो CMOS में यहाँ पर वोल्टेज, देखो मैं चेक करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखो 0.0 है। तो यहाँ पर करीब 0.40 से लेकर 60 तक वोल्टेज आना चाहिए, हर एक बोर्ड का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। और यहाँ पर देखो, और एक चीज़ मैं पास से दिखा दूंगा, पहले मैं मल्टीमीटर पे दिखा दूँ। यहाँ पर देखो 3.26 वोल्टेज है, यहाँ पर एक कन्वर्टर है जो रेगुलेटर टाइप का है, ट्रांजिस्टर, और इसका सोर्स में देखो 0 वोल्ट, देख सकते हो आप 0 वोल्ट।
तो अभी बोर्ड को ऑफ करके थोड़ा सा समझा देता हूँ और सॉल्व आउट कर देता हूँ, देख लो काम आ जाएगा, बहुत ही काम आ जाएगा। उड़े तेरी सीपीयू, इतना हीट हो गया, इसे साइड में रख देता हूँ। बहुत हीट हो गया सीपीयू, फैन लगा नहीं मैंने इसलिए शायद। तो अभी समझा देता हूँ, पहले देख लो ट्वीज़र किधर गया मेरा, ट्वीज़र नहीं मिल रहा है, मिल गया। अब देखो यहाँ पर जो है पॉजिटिव, यहाँ पर 0.40 से लेके 60-70 तक वोल्टेज आना चाहिए। तो अगर ये मिसिंग है तो आपका बोर्ड में पीसीएच में जितना भी हीट कर लो, बायस कर लो, ये मैंने देखा फिजिकली, जो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा भी दिमाग में नहीं था कि ये आरटीसी के वजह से ऐसा होता है, तो होता है बहुत सारा बोर्ड में होता है, मगर इस बोर्ड में हो रहा था ये मैंने सोचा नहीं, क्योंकि एएमडी सीरीज का बोर्ड में मैक्सिमम ज़्यादातर जीएमसीएच और पीसीएच का ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये ग्राफिक्स मेमोरी कंट्रोलिंग हब होता है जो ये जीएमसीएच, इनमें ज़्यादातर प्रॉब्लम इनमें होता है, क्योंकि एएमडी का बोर्ड में आपने जितना भी रिपेयर किया होगा या फिर नया लोग जो हो वो जान लो, ज़्यादातर प्रॉब्लम यहाँ पर होता है नो डिस्प्ले वाला प्रॉब्लम में। तो इस बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं था, तो खामाखा मैंने इसको हिट कर दिया, पर ज़्यादा नहीं किया, अभी भी टिका है। ज़्यादा कर देता तो शायद बोर्ड मेरे हाथ से डेड हो जाता। कोई चलो छोड़ देते हैं, अब लॉजिक पे आते हैं, जो काम मैंने देखा है और जो अभी दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। तो ये देखो यहाँ पर एक कॉन्वर्टर रेगुलेटर टाइप का है, जो ट्रांजिस्टर है, इसके ड्रेन पे 3.3 है, लेकिन सोर्स पे कोई भी वोल्टेज इनपुट नहीं हो रहा। जब तक इसके सोर्स में 3.3 वोल्ट, ड्रेन पे जितना है सोर्स पे, जब तक जितना नहीं आएगा उतना नहीं आएगा, ये बोर्ड डिस्प्ले आउट नहीं होगा। चाहे आप हजारों प्रोसेस सीपीयू को चेंज कर लो, हीट कर दो, बायस कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आपके पास इस टाइप के कोई भी बोर्ड आए तो आप एक बार देख ले, पहले सीपीयू को चेंज करके देख ले, अगर ना हुआ तो यहाँ पर वोल्टेज को थोड़ा सा चेक कर ले। यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, जो इसका मॉडल मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, पहले देख लूँ मैं, थोड़ा सा याद नहीं है अभी, पहले देखा था इसका L43 शायद है, ऐसा कुछ करके, जो ये एक कन्वर्टर रेगुलेटर टाइप का है, जो सीमोस सेल में आरटीसी सेक्शन में यहाँ पर 3.3 वोल्ट आना चाहिए, देख सकते हो क्लियरली। यहाँ पर 3.3 वोल्ट है ड्रेन पे और सोर्स पे 0 वोल्ट है, मतलब ये खराब हो चुका है या फिर जो भी कुछ हुआ है। तो मैं अभी यहाँ पर एक बाईपास कर दूंगा तो ये बोर्ड में डिस्प्ले आ जाएगा, मैंने पहले देख लिया है, यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने बाईपास किया था। तो अभी सोचा मैंने एक वीडियो बना दूँ, काम आ जाएगा आप लोगों का, तो मैं बना रहा हूँ। तो अभी देखो, अभी जो इसका सीपीयू है ठंडा हो चुका है, तो मैं इंसर्ट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ये बहुत हीट हो चुका था, मैंने फैन नहीं डाला था इसलिए। तो अभी देखो, अभी मैं इसका जो ये जो ट्रांजिस्टर है, शायद है होगा कुछ ऐसा, पर यहाँ पर 3.3 वोल्ट आना चाहिए इसका सोर्स में, जो नहीं आ रहा, तो मैं अभी यहाँ पर एक बाईपास कर दूंगा, साथ में रहो और देखते रहो। अगर ये वीडियो स्किप कर दिया तो नहीं समझ पाओगे यार। तो मेरा आयरन हीट हो चुका है, अब मैं यहाँ पर एक वायर को, कहाँ गया, एक ऑयल ले लेता हूँ, ये वाला छोटा एक ऑयल है, ये बहुत शोल्डर किया हुआ है, चलो ये एक मिल गया। तो एक सेकंड, इसे थोड़ा सा निकालना है, अंदर घुस गया है, जब मैं बोट को रिपेयर कर रहा था तब मैंने ये किया था, इसी वायर से ही जम्पर किया था, पर मैं ये जो कंपोनेंट है इसे चेंज कर दूंगा, पर ढूंढना पड़ेगा, पर इस मेरा इसका बोर्ड जहाँ पर है वहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। तो मैं जंपर कर लेता हूँ, उसके बाद जाके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। दिखाते दिखाते मैं कर नहीं पाऊँगा क्योंकि कैमरा घूम जाएगा। तो जंपर कर देता हूँ, यहाँ पर ड्रेन हो गया टू सोर्स, यहाँ पर 3.3 वोल्ट मुझे डालना है।
हुआ नहीं अभी भी, मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सॉरी, ये बिगड़ चुका है बहुत। ड्रेन टू सोर्स, चलो कर दिया। अब देखो क्लियर मैं दिखा नहीं पाऊंगा, पर मेरे पास तो माइक्रोस्कोप नहीं है, अगर होता तो फिर भी देख सकते हो। अब ड्रेन टू सोर्स को मैंने एक बाईपास कर दिया है, अभी मैं अभी फिलहाल दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो बाद में मैं ये कंपोनेंट को चेंज कर दूंगा। होगा मेरे पास ऐसा बहुत सारा बोर्ड, और ये एक ही कंपोनेंट होता है आरटीसी सेक्शन में, सारा बोर्ड में एक ही होता है, ठीक है, 6181 में, तो मैं ढूंढ के लगा दूंगा। तो अब देखते हैं, अब सीमोस सेल को डाल देता हूँ, कोई बात नहीं, सीमोस सेल डाल दिया। अब देख लो, अभी मैं इसका कितना मिनट हो गया, 11 मिनट हो गया वीडियो। चलो अभी इसका पावर मैं दे रहा हूँ, फैन भी लगा दूँ क्योंकि सीपीयू बहुत हीट हो रहा था पहले। एएमडी का सीपीयू मतलब बहुत हीट होता है ये। तो अभी एक डिबग कार्ड डालता हूँ, डाल दिया। अब देखो मैं ये स्विचिंग कर रहा हूँ, एक ही बार में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अभी स्विचिंग कर दिया, अब देखो कोड चेंज हो गया, बीप देगा, थोड़ा सा होल्ड करो। दो बीप दिया, इसका मतलब डिस्प्ले आ चुका है। तो देखो सिंपल सी बात है, पर इतना सा ढूंढने में मुझे 2 दिन लग गया, आज फिलहाल 3 दिन के बाद ये बोर्ड रेडी हो रहा है। तो अगर नॉर्मली जो नया नया काम सीख रहे हो उनके पास अगर ये बोर्ड जाता तो अब तक तो ब्रिज खराब कर चुके होते आप लोग। तो ऐसा नहीं करना है, कहीं भी अगर प्रॉब्लम को स्कीमेटिक नहीं मिल रहा है, और अगर आपको स्कीमेटिक पढ़ना नहीं आता है, तो ज़्यादा बोर्ड में हीट मत दिया करो। अगर समझ में आया तो करो, ना आए तो किसी दूसरे के पास भेज दो, पर बोर्ड को खराब मत करो। क्योंकि हीट देने से, मैं भी हीट दिया था पर लिमिटेड में, क्योंकि मैंने लिमिटेड हीट दिया था इसमें, इसीलिए अभी भी बोर्ड बचा है और डिस्प्ले दे रहा है। अगर ज़्यादा कर दिया होता तो बाद में अगर पता चलता तो इस सेक्शन में प्रॉब्लम है, आरटीसी सेक्शन में, तो ये सॉल्व आउट करने के बाद भी बोर्ड डेड हो जाता या फिर नो डिस्प्ले 00 कोड आ जाता। क्योंकि आपने यहाँ पर बहुत सारा हीट कर दिया था, जो मैंने अगर कर देता तो ऐसा नहीं करना है। प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है, देखो छोटा सा प्रॉब्लम है, बस इसे ढूंढने में मुझे 3 दिन लग गया, ठीक है, और आज इसलिए वीडियो को डाल रहा हूँ। तो ऐसा प्रॉब्लम आपको ढूंढना है, दिल से सोचना है कि कौन सा सेक्शन में क्या हो रहा है, तो आप भी कर सकोगे। तो अभी देख लो थोड़ा सा, और कीबोर्ड पे भी दिखा देता हूँ, इसका डिस्प्ले आ चुका है, मुझे दिख रहा है, मैंने जब भी प्लग इन किया, और वीजीए पे भी एक बार दिखा देता हूँ। वीजीए पे, चलो वीजीए पे भी आ गया, ये देखो आ चुका है, मैंने जब भी प्लग इन किया, और कीबोर्ड पे देख सकते हो यहाँ पर, वो देखो ब्लू लाइट जल रहा है, ठीक है, पास में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्लू लाइट जल रहा है, तो आ चुका है। एक बार रीस्टार्ट करके देख लेते हैं, देखो स्टैंड को एक बार उठा दिया तो मैं ठीक से बिठा नहीं पाता हूँ। चलो एक बार रीस्टार्ट करके देख लेते हैं, चलो रीस्टार्ट मैंने कर दिया, हुआ नहीं, एक सेकेंड, ये हो क्यों नहीं रहा है रीस्टार्ट, और रीस्टार्ट हो गया, देखो डिस्प्ले चला गया, पर डिबग कार्ड में कोड का कुछ वेरिएशन नहीं हो रहा है, पर आ जाएगा। चलो अभी हो रहा है डिबग कार्ड में कोड का वेरिएशन, आप भी देख सकते हो कोड का वेरिएशन हो रहा है डिबग कार्ड में, ये 13 अभी भी डिस्प्ले नहीं, पर आ गया, अभी MSI का लोगो दिखा आपने, आ गया। देखो सिंपल सी बात है, आप भी कर सकते हो, मुझे लगा इम्पोर्टेंट है इसीलिए वीडियो को बना रहा हूँ, अगर ज़्यादा लाइक हुआ तो नेक्स्ट टाइम ऐसा इम्पोर्टेंट वीडियो मिलेगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बस लव यू ऑल, जय हिंद।